यूक्रेन का रूस पर 44 सिविलियंस की जान लेने का आरोप। इजियुम में इमारत के मलबे से मिले 44 शव। मार्च में हुए हमले में गिरी थी 5 मंजिला इमारत। खारकीव प्रशासन ने सोशल मीडिया पर जारी किया बयान, स्टेटमेंट में बिल्डिंग की लोकेशन नहीं बताई गई। रूस में विजय दिवस पर परेड के बाद इमॉर्टल रेजिमेंट मार्च भी निकाला गया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी लाल चौक पर मार्च में शामिल हुए। दूसरे विश्व युद्ध में मारे गए लोगों की याद में हर साल निकाला जाता है ये मार्च। पुतिन भी हाथ में लिए हुए थे अपने पिता का पोस्टर। दूसरे विश्व युद्ध में पुतिन के पिता की मौत हुई थी। मार्च में हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। रूस के खिलाफ अमेरिका की अहम खुफिया जानकारी लीक होने से राष्ट्रपति बाइडेन नाराज। खुफिया रिपोर्ट्स में किया गया था दावा, यूक्रेन जंग में 12 रूसी जनरलों के मारे जाने में अमेरिकी इंटेलिजेंस का हाथ। अमेरिका ने ही यूक्रेन को दी थी ब्लैक सी में रूस के मिसाइल क्रूजर मोस्कवा के बारे में जानकारी। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने फिर यूक्रेन के लिए उठाया एक बड़ा कदम। यूक्रेन डेमोक्रेसी एंड डिफेंस लैंड लीज एक्ट पर दस्तखत किए। अमेरिकी इतिहास का दूसरा लैंड लीज समझौता है ये। अमेरिकी कांग्रेस भी जल्द ही 40 अरब डॉलर के पैकेज पर मुहर लगा सकती है। यूरोपीय यूनियन में जल्द शामिल नहीं हो पाएगा यूक्रेन। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा लग सकता है कई साल या कई दशक यूरोप में नया राजनीतिक संगठन बनाने का रखा प्रस्ताव। यूरोपीय यूनियन के मूल्य में विश्वास रखने वाले लेकिन संगठन में नहीं शामिल देशों को साथ लाने का प्रस्ताव। खारकीव की फ्रंट लाइन पर लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं यूक्रेन के नेशनल गार्ड्स। किसी भी तरह के हमले को रोकने की है ये तैयारी। बख्तरबंद गाड़ियों के साथ नजर आए यूक्रेन के जवान, बोले दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी। रूस के साथ जंग पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का वीडियो मैसेज, जल्द ही यूक्रेन में 2 विक्ट्री डे होंगे। रूस में धूमधाम से मनाया गया विक्ट्री डे। रात में मॉस्को के आसमान में हुई जबरदस्त आतिशबाजी। दिन में मॉस्को में लाल चौक पर मनाया गया था विजय दिवस। राष्ट्रपति पुतिन ने ली परेड की सलामी। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और कई टैंक भी परेड में हुए शामिल। यूक्रेन के झंडे के पीले और नीले रंगों से जगमगाया जर्मनी का ब्रांडनबर्ग गेट। जर्मन चांसलर ओलाफ और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने जताया सपोर्ट। दोनों नेताओं ने जताई खुशी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपने भाषण में यूक्रेन में युद्ध तेज करने का नहीं किया ऐलान।